और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुरिया दरबार रश्म में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर एयरपोर्ट से सीधे मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद मुरिया दरबार में शिरकत की है। उन्होंने दशहरे की मुख्य रस्म के अनुसार मांझी चालकी से समस्या जानी और उनके समाधान की घोषणा भी की है। तो वहीं सीएम बघेल ने भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम में बस्तर के 14 समाज के लोगों को भूमि का पट्टा वितरित किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक को बढ़ावा देने मैदान में गिल्ली डंडा खेल का आयोजन भी खेला जा रहा है, जिसमें उन्होंने इस खेल पर भी हाथ साफ किया है। मुरिया दरबार के बारे में बता दें कि रियासत काल में बस्तर महाराज दशहरा पर्व में अपनी महत्वपूर्ण सेवा देने वाले लोगों की एक बैठक आयोजित करते थे, जिसे मुरिया दरबार कहा जाता था। वे अपने इस दरबार में अपने राज्य की जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया करते थे। यह परंपरा बीते 600 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मुरिया दरबार की अध्यक्षता करते हैं और इस दरबार में उनके सामने लाए गए समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनका समाधान भी मौके पर ही करते हैं। भूमकाल के जननायक शास्त्री महाविद्यालय आज मुरिया दरबार था और मुरिया दरबार में मुझे आमंत्रित किया था सभी मुरिया मांझी चालकी सीएम हाउस गए थे सांसद जी के साथ और मुझे निमंत्रित किया था उन्होंने। आज मुझे यहाँ आने के बाद दंतश्री माई के दर्शन और फिर मुरिया दरबार में शामिल होने का अवसर मिला और अभी सभी समाज के 14 समाज के लोगों को जमीन का पट्टा भवन बनाएंगे उसके लिए पट्टा वितरण का भी काम संपन्न हुआ। मुरिया दरबार का अपना महत्व है, यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसका पालन किया जाता है।